लाइफ बदलने वाला है तुम्हारा। हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 इंडियन नेटफ्लिक्स ओरिजिनल मूवीज के बारे में। वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, इसीलिए वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहें। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं हम 2018 की मूवी लव पर स्क्वायर फुट के बारे में। ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है जिसका रन टाइम है लगभग 2 घंटे का। ये मूवी है संजय और करीना नाम के एक लड़का और लड़की के बारे में जिनके पास पैसे नहीं होते एक घर खरीदने के लिए। वो दोनों मिलकर जॉइंट लोन लेने का फैसला करते हैं जो कि सिर्फ मैरिड कपल्स को ही मिलता है। इसी के चलते दोनों अपने कन्वीनियंस के हिसाब से शादी कर लेते हैं। फिर आगे जाकर इन दोनों के बीच क्या होता है आपको तो ये मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। ये मूवी में हमें बहुत ही टैलेंटेड विक्की कौशल और अंगिरा धर नजर आएंगे। शहर में स्पेस भी तो नहीं है ना, और यू नो पप्पी। ये मूवी को IMDB पर 7.2 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2020 की मूवी बुलबुल के बारे में। ये मूवी का रन टाइम है 1 hour 34 minutes का। ये एक सुपर नेचुरल थ्रिलर मूवी है। ये मूवी है बुलबुल नाम की एक औरत के बारे में जो कि अपने गांव की बहुत ही मानी जानी औरत होती है। बुलबुल की शादी बचपन में ही हो जाती है जहां पर उसकी शादी उसके बेस्ट फ्रेंड सत्या के साथ कर दी जाती है। अब खुश नहीं हो? अब उन्हें कौन समझाए बुलबुल को, तो बस सत्या चाहिए। फिर अचानक उसी गांव में बहुत सारे मर्डर्स होना शुरू हो जाते हैं और वो भी बिल्कुल अजीब और गरीब तरीके से। तो इन सब मर्डर्स के पीछे किसका हाथ है और बुलबुल का इससे क्या कनेक्शन है आपको तो ये मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। बुलबुल के साथ पास्ट में कुछ ऐसा होता है जिसको वो चाहते हुए भी भूल नहीं सकती। तो आखिर वो सब क्या है और उसका इन मर्डर्स से क्या ताल्लुक रखता है आपको तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। ये मूवी को 6.5 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDB पर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2018 की मूवी लव स्टोरीज के बारे में। ये एक एंथोलॉजी मूवी है जहां पर हमें 4 अलग अलग स्टोरीज के बारे में बताया गया है। ये मूवी में हमें बेसिकली मॉडर्न डे रिलेशनशिप्स के बारे में बताया गया है जहां पर हमें 4 अलग लाइफ स्टोरीज में औरतों के नजरिए से कहानी बताई गई है। ये मूवी को 4 इंटरनेशनल डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया था और ऑडियंस को यह मूवी काफी ज्यादा पसंद आई थी। ये मूवी को 6.5 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDB पर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2020 की मूवी चोक्ड के बारे में। ये मूवी का रन टाइम है लगभग 1.5 घंटे का और ये एक सस्पेंस ड्रामा मूवी है। ये मूवी है सरिता नाम की एक औरत के बारे में जो कि एक बैंक में काम करती है। उसे अपने घर के बिल्स पे करने के भी पैसे नहीं होते। फिर अचानक एक दिन उसे अनलिमिटेड पैसों की तिजोरी मिल जाती है जिसके कारण उसके पास ढेर सारा पैसा आ जाता है। उसके पास इतना सारा पैसा कैसे और क्यों आता है और उसका वो क्या करती है आपको तो ये मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। Will no longer be legal tender. अब देखना सारा ब्लैक मनी निकल के आएगा बाहर। ये मूवी को 5.8 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDB पर। अगर आप सबको नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल बढ़िया इंडियन सीरीज के बारे में जानना है तो आपको आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में टॉप 10 इंडियन सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स की वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2019 की मूवी चॉपस्टिक्स के बारे में। ये एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसका रन टाइम है लगभग 1.5 घंटे का। ये मूवी है निर्मा नाम की एक लड़की के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर होती है। उसकी लाइफ एकदम बदल कर रह जाती है जब उसकी कार चोरी हो जाती है और वो एक चोर की मदद लेने का फैसला करती है अपनी खोई हुई कार को पाने के लिए। उसके साथ ऐसा आखिर क्या होता है जिसके कारण उसकी जिंदगी बदल कर रह जाती है आपको तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। ये मूवी में हमें मिथिला प्रकार और अभय डुवल नजर आएंगे जिन्होंने बहुत ही बखूबी से अपना रोल निभाया है। ये मूवी को 6.5 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDB पर। अगर आपको रोमांटिक सीरीज पसंद है तो आपको आई बटन में टॉप 10 रोमांटिक सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स की वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2021 की मूवी द गर्ल ऑन अ ट्रेन के बारे में। ये मूवी का रन टाइम है लगभग 2 घंटे का और ये एक थ्रिलर सस्पेंस मूवी है। ये मूवी है मीरा कपूर नाम की एक लड़की के बारे में जो कि हर रोज ट्रेन से ट्रैवल करती है। ट्रैवल करते समय उसकी नजर हमेशा एक घर के ऊपर ही रहती है जहां पर उसे एक कपल नजर आता है और वो उनके साथ ऑब्सेस्ड हो जाती है क्योंकि उसे उन दोनों में अपनी खोई हुई जिंदगी नजर आती है क्योंकि उसका डिवोर्स हो चुका रहता है। एक दिन उसकी जिंदगी बदल कर रह जाती है जब मोबी मेहता अचानक से गायब हो जाती है। समझ नहीं आता ये जेलसी है या फिर मेरी चाह। हे मैं हूँ मीरा कपूर और ये है मेरी कहानी। फिर आगे उसके साथ क्या होता है आपको तो ये मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा।
ये मूवी को IMDb पर 3.9 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। पता नहीं लोगों ने ये मूवी को इतना कम रेट क्यों किया। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करना। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2019 की मूवी अपस्टार्ट्स के बारे में। यह मूवी है तीन कॉलेज ग्रेजुएट्स के बारे में जिनका सपना होता है कि वो बहुत सारा पैसा कमाए। ये एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसका रन टाइम है 1 hour 50 minutes का। शादी करने के कितने सारे ऐप हैं? हम लोग स्टार्ट करते हैं भाग जाते .com इलोपिंग सर्विस। बहुत बकवास आइडिया। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए ये तीनों मिलकर एक स्टार्टअप की शुरुआत करते हैं। जैसे जैसे इनका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाता है, इन तीनों के बीच का बॉन्ड टूटने लग जाता है। तो आखिर ऐसा क्या होता है और उनका कौन सा स्टार्टअप है, ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। ये मूवी को 6.7 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDb पर। अगर आप सबके मन में कुछ स्टार्टअप की शुरुआत करने का आइडिया है, ये मूवी देखना आपके लिए बनता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2020 की मूवी AK vs AK के बारे में। ये एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसका रन टाइम है 1 hour 45 minutes का। इसमें जो भी होगा असली, आप उसे खोजोगे असली, आपको चोट लगेगी वो भी असली, आप रोगे तो वो भी असली, आप हंसोगे तो वो भी। हंसी नहीं आई। ये मूवी में होता ये है कि अनिल कपूर और अनुराग कश्यप के बीच में लड़ाई हो जाती है। इसी के चलते अनिल कपूर से बदला लेने के लिए अनुराग कश्यप सोनम कपूर को रियल लाइफ में किडनैप कर लेता है और वो अनिल कपूर से ये कहता है कि उसके पास सिर्फ 10 घंटे हैं उसको बचाने के लिए। साथ ही वो अनिल कपूर से ये कहता है कि उस 10 घंटे में जो कुछ भी होता है उसको कैमरे में रिकॉर्ड करना होगा। अनिल कपूर जब दूसरे लोगों के पास मदद मांगने के लिए जाता है तो सब लोग ये समझते हैं कि ये सब सिर्फ एक मूवी का हिस्सा है। हाथ जोड़ता हूँ, भीख मांगता हूँ। तो आगे क्या होता है आपको जानने के लिए ये मूवी देखनी होगी। ये मूवी को IMDb पर 7 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2020 की मूवी रात अकेली है के बारे में। ये एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसका रन टाइम है 2 hours 30 minutes का। ये मूवी में दिखाया गया है कि रघुवीर सिंह का मर्डर हो जाता है। वो एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिशियन होता है और उसके मर्डर का इन्वेस्टिगेशन करने का केस नवाजुद्दीन सिद्दीकी को दिया जाता है। अब ये मर्डर किसने कब और कैसे किया और उसके पीछे क्या मोटिव है, आपको तो जानने के लिए मूवी देखनी होगी। क्योंकि जिस दिन रघुवीर सिंह का मर्डर होता है उसके दिन उसी की शादी भी हो रही होती है। इतना आसानी से नहीं जाएंगे हम, डरते नहीं किसी से। ये मूवी में हमें राधिका आप्टे भी नजर आएंगी और ये मूवी को IMDb पर 7.3 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। हमारे अकॉर्डिंग नंबर 1 इंडियन नेटफ्लिक्स ओरिजिनल मूवी है लूडो। ये मूवी रिलीज हुई थी 2020 में और ये मूवी का रन टाइम है 1 hour 45 minutes का। ये मूवी में हमें 4 अलग अलग कहानियां देखने को मिलेंगे। आप जीतो या हारो, अल्टीमेटली सारे गोटियों को पोछना तो एक ही घर में है ना। कोई भी मूवी में अगर आपको विलेन ना मिले तो शायद आपको मूवी में कुछ कमी महसूस होना शुरू हो जाती है। इसी कमी को दूर करने के लिए पंकज त्रिपाठी विलेन का रोल निभाते हैं जो कि इन चारों स्टोरीज को कनेक्ट कर देते हैं। तो मूवी में आगे क्या होता है आपको तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। ये मूवी को 7.6 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDb पर। अगर आप ऐसे ही नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल टॉप 10 सीरीज और मूवी रिकमेंडेशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर क्लिक कीजिए।